हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारे लकड़ी के फट्टे ऊपर लगे हुए हैं शटरिंग के ऊपर। तो ये क्यों लगाए जाते हैं और कब लगाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, जब हमारा शटरिंग के ऊपर रिइंफोर्समेंट का वर्क है वो कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद इन फट्टों को यहाँ पर इस तरह से लगा दिया जाता है। जहाँ पर हमारी स्लैब होती है वहाँ पर ये फट्टे लगाए जाते हैं, और जहाँ पर हमारा बीम होता है वहाँ पर शटरिंग लगाई जाती है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक तरह से रोक लगा दी जाती है और बैरियर लगा दी जाती है, ताकि जब हम कंक्रीट डालें तो वो कंक्रीट आगे को ना निकले और जो इसकी प्रॉपर शेप है उसमें बना रहे। यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं ये कटआउट है, तो कटआउट के चारों ओर हमने जो बीम प्रोवाइड किए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये शटरिंग हमने लगाई हुई है, रोक लगाए हुए हैं, बैरियर लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हमने अंदर से क्या चेक करना होता है हमारी कंक्रीटिंग होने से पहले शटरिंग में, तो जो कोई गैप है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा गैप है, यहाँ से रोशनी ज़्यादा आ रही है, तो इस जगह को कुछ भी लकड़ी का कोई पतला ब्रिक, जैसे फरे वगैरह होते हैं या लकड़ी के कोई पीसेस होते हैं जो पतले होते हैं काफ़ी, वो यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, ताकि जो लीकेज है कंक्रीटिंग के वक्त वो ना हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।